वक्त संजीव सान्याल मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। संजीव जी, हमने तस्वीरें देखी थी, आप भी निर्मला सीतारमन जी के साथ काफी उत्साह के साथ सुबह में जा रहे थे, शाम होते होते लेकिन संजीव जी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बजट को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री इसे विकास के विश्वास का बजट कह रहे हैं, अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें निर्मला जी ने भी कही, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिससे बहुत राहत महामारी के इस काल में लोगों को मिले। जो 9.2 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो किन बिंदुओं पर आप देखते हैं कि वो सही ठहरेगा? दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, क्या ऐसा है जिससे हम माने कि इतना गतिमान हमारा ये अर्थव्यवस्था आने वाले साल में होगी? संजीव जी, मुझे राजनीतिक तूतू में घुसना नहीं है, मैं आर्थिक जो मुद्दे हैं उस पे ही आपको मैं उत्तर दूंगा। प्रथम ये है कि देखिए, इस बजट में बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं जिससे डायरेक्टली अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम लोग खर्च करेंगे वो बहुत, पिछले साल भी बढ़ा था, फिर से बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि जो सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशंस का सिस्टम बनेगा, इससे तो सभी को लाभ मिलता है, युवाओं को भी लाभ मिलता है, बुजुर्गों को भी मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है। तो ये कहना कि इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसे ये कह सकते हैं। दूसरा है कि सड़कें बनाना या एयरपोर्ट बनाना या रेलवे में निवेश करना, हर एक चीज जब किया जाता है तो उसी से तो नौकरियां बनती हैं। अगर इसमें निवेश नहीं किया जाएगा तो फिर नौकरियां कहां से आएंगी? ये कौन से ये आर्थिक कदम चाहते थे जो इसका, जिसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए था जो नहीं किया गया? तो ये आप पूछ के पूछिए। बेकार में तो सभी कोई किसी चीज की निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये ठोस सवाल ये पूछा जाए कि आप क्या करना चाहिए वो कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, दूसरा है ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाएं हैं, जैसे पर्यटन, रेस्टोरेंट वगैरह, उनको महामारी के लहरों से उनपे काफी असर पड़ा है। स्वाभाविक है कि बार बार लहर आने से, उस पर लॉकडाउन होने से उनपे जो प्रभाव पड़ा है, उसके लिए हम लोगों ने 50,000 करोड़ का एक नया स्कीम निकाला है गारंटी लिक्विडिटी के लिए, जिससे होटल्स वगैरह को सपोर्ट मिले। ऐसे करते करते बहुत सारे, आपको एक पूरा लिस्ट दिया होगा निर्मला जी ने अपने स्पीच में कि क्या क्या कदम लिए गए हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया।